चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ
10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।